प्री से पहले प्री के ज्यादा से ज्यादा पैटर्न करवा दिए जाए तो प्री के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है जो न्यू पैटर्नस है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा जिससे ताकि आपको प्री में अगर कोई नया पैटर्न देखने को मिले तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो उसके साथ में अपने पुराने वाले जो आपके पैटर्न है वो तो ऑलरेडी कवर अप हो ही रहे हैं साथ साथ ठीक है तो थोड़ा सा उनमें चेंजेस करके कि क्या पता कोई नया पैटर्न आ जाए तो एक्सपेक्टेड जो पैटर्न्स है जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में जिस तरीके से अपने अगर बात करें प्रीवियस जो ईयर्स की अगर, अगर अपने बात करें जो एग्जाम्स हुए थे ठीक है उसमें जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड पैटर्न्स हैं तो आज का पैटर्न बड़ा ही शानदार पैटर्न है स्पोर्टिंग एरर का ठीक है आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा बहुत ज्यादा मजा आएगा इस पैटर्न में और साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा ये तो मैथड वही रहेगा अपना सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी आपने खुद से डायरेक्शंस को रीड आउट करना क्योंकि एग्जाम में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको डायरेक्शन को खुद से ही रीड आउट करना होता है इसलिए मैं आपको रीड आउट नहीं करवाता आपको खुद से रीड आउट करना है कि इसमें करना क्या है ताकि एग्जाम में न्यू पैटर्न आ जाए तो आप इजिली उसको हैंडल कर पाओ मेन चीज तो वो है ना ठीक है तो इसलिए डायरेक्शन आप खुद से रीड आउट करोगे उसके जस्ट बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आपने खुद से अटेम्प्ट करना, कर, करना है आपको वन मिनट का टाइम दिया जाएगा खुद से डायरेक्शन समझकर फिर आपको क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में कि मान लो एग्जाम ही चल रहा है आपका एग्जाम ऐसे होता है ना नया पैटर्न आएगा डायरेक्शन खुद से रीड रीड आउट करनी होती है आप लोगों को फिर आपको क्वेश्चन वगैरह करने होते हैं और फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में मैं उसका सोल्यूशन करवाऊंगा फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हैंडल करना था और आगे कैसे हैंडल करना है अगर ऐसा पैटर्न आपके सामने आ जाए और किस तरीके से इसमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह यूज करनी होती है स्पीड बूस्ट करने के लिए और एक्यूरेसी लाने के लिए क्लियर समझ में आया आप लोगों के तो इस तरीके से चलेगा उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिर वो आपसे खुद से करना है पहले वाले के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक है तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को सबसे पहले जल्दी से रीड आउट कीजिए डायरेक्शंस को आई थिंक आपने रीड आउट कर लिया होगा डायरेक्शंस को अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को जैसे ही आपका क्वेश्चन आपके सामने अपियर होगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा सो बी रेडी start. स्टॉप अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना तो एक बार मैं बता दूं इसमें करना क्या था इसमें आपको इसने बोला था डायरेक्शन के अंदर कि आपको जो यहाँ पे पार्ट्स फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया इनमें से टू पार्ट्स आपके हैं उनमें क्या है एरर है तो आपको क्या करना है एरर वाले फाइंड आउट करना है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना एरर के क्वेश्चंस में डायरेक्शन को अच्छे से रीड आउट कर लेना कई बार वहां पे एरर फ्री पूछ लेते हैं समझ में आ अरे चीज कई बार क्या होता है कि एरर फ्री कौन सा है कि सारे के सारे में एरर है एक आपका पार्ट है उसमें एरर नहीं है या फिर दो पार्ट है उनमें एरर फ्री है तो उन पार्ट्स को यहाँ पे क्या करना होता है फाइंड आउट करना होता है लेकिन इसमें एरर वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने बोला है तो एरर वाले आपको टिक करने हैं अगर एरर फ्री बोलता तो आपको दूसरे वाले जो इसमें एरर नहीं है वो टिक करने होते हैं तो टू पार्ट्स में एरर होगी ये इसने बोला है और कॉम्बिनेशन में आपको दे भी रखा है ए डी ए डी का मतलब ए और डी में एरर है ठीक है बी सी का मतलब बी सी में एरर पेयर वो ढूंढना है आपको कौन कौन से में एरर है और अगर नहीं एरर पूरा सेंटेंस आपका सही है बिल्कुल तो इसका मतलब वो नो एरर होगा तो स्टार्ट करते हैं इसको रीड आउट करना अब एरर की टेक्निक जो होती है स्पोर्टिंग एरर की वो होती है आपकी स्कैनिंग टेक्निक हर एक एलिमेंट को आपने स्कैन करना है हर एक एलिमेंट को स्कैन करना है उसकी वर्किंग चेक करनी है उससे क्वेश्चन पूछना है उसकी वर्किंग अकॉर्डिंग अगर वो अपनी वर्किंग सही से सेटिसफाई करता है वहां पे सही आंसर देता है सही क्वेश्चन का आंसर देता है आपको सेटिस्फाइड आंसर देता है तो आपको वो क्या है वो वहां पे सही है अदरवाइज वो वहां पे क्या है गलत है तो एक बार तो इस तरीके से चेक करना है हर एक एलिमेंट किसके लिए यूज हुआ है तो जिसके लिए यूज है उसके लिए प्रॉपर वे में यूज हुआ है या नहीं हुआ वो चीज चेक करनी है और लास्ट में पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपको एक साथ चेक करना होता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ए ए सक्सेस एक सक्सेस एक सफलता की बात हो रही है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना अपनों ने एक चीज हमेशा से अपनों ने माइंड में सेट कर रखी है मैंने आपको बोला था हर बार अपने ये बोलते हैं जैसे ही आपको ए या एन दिखाई देता है तो अपने क्या करते हैं वहां ए एन दोनों माइंड में स्ट्राइक करने चाहिए तो अगर वोवल साउंड जस्ट उसके बाद में तो तो ए आएगा और सॉरी uh, 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 वोवल साउंड है तो एन आएगा और कॉन्सोनेंट साउंड है तो एन आएगा ठीक है लेकिन ए के बाद में अगर मैं बात करूं सक्सेस सक्सेस स की साउंड यानी कॉन्सोनेंट साउंड है इसका मतलब क्या निकला ये आपका ए बिल्कुल सही है एक सक्सेस ऑफ ऑफ एन 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 आया आप ध्यान रखना रेस्टोरेंट

और डी भी आपका गया ठीक है तीन ऑप्शन गए और नो एरर भी आपका गया क्यों गया नो एरर क्यों गया नो एरर इसलिए गया क्योंकि एरर है इसका मतलब ऑप्शन ए आपका क्लिक हो गया पढ़ना ही नहीं पड़ा सेंटेंस फर्स्ट पार्ट से ही हो गया आंसर ए ये जब देखा स्टूडेंट्स ने हो सकता है डायरेक्शन देखी कि दो में एरर करनी है तो स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है उसी टाइम पे कि यार एरर वाला तो थोड़ा ट्रिकी होता है एरर वाले में हमारे हमेशा ही नेगेटिव होते हैं क्वेश्चन वगैरह तो उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं कि एक एरर हमसे फाइंड आउट नहीं होती यहां ये यह दो दो पूछ रहा है तो स्टूडेंट क्या करेगा या तो क्या करेगा क्वेश्चन पे ही नहीं जाएगा कि छोड़ो इसको क्यों टाइम वेस्ट करे अपना ठीक है लेकिन आपने देखा अगर आपकी वर्किंग क्लियर है तो चाहे कैसा भी पैटर्न हो किसने लेवल का पैटर्न लगे आपको लेकिन वर्किंग से वो इजीली हो जाता है अपनों ने तो सेंटेंस ही नहीं पढ़ाई डायट आपका हो चुका है ठीक है तो ये क्वेश्चन अपना हो गया पढ़ना है तो पढ़ लो एग्जाम में हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो पढ़ा देता हूं स्पीड में ए सक्सेस ऑफ एन रेस्टोरेंट ऑरेंट क्योंकि हो चुका है तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है रेस्टेड मोर ऑन ज्यादा मोर का मतलब ज्यादा रेस्ट किया किस पे ऑन पर किस पर रेस्ट ऑन का मतलब आधारित होना ऑन आउट ऑफ डेट मेमोरीज आउट ऑफ डेट मेमोरीज का मतलब जो यादगार है पुरानी यादें -E -E, का मतलब होता है है तब तो यहां पे बोला है ना ज़्यादा वो depend करता है या depend किया था then, किसके में the current excellence, जो current excellence उत्तमता है है जो जो इसका का जो किराया मतलब जो पैसा लिया जाता है बिल जो बनता है उसका बड़े वाला उससे ज़्यादा आएगा एरर डी में तो ए डी बिल्कुल सही अपना हो ही चुका था समझ में ये चीज़ तो मतलब क्या बोला कि किसी रेस्टोरेंट की जो सक्सेस थी वो कैसे डिपेंड करती थी पहले पास्ट की बात कर रहे हैं ना वो ज़्यादा डिपेंड करती थी पुरानी यादों पर कि पुराने टाइम में मतलब ये कितना फेमस रहा था लोग इसको कितना मतलब देखते थे लाइक like करते थे ना कि उसका बिल कितना बड़ा बनता है कि आज के टाइम में अगर अपनी बात में ज़्यादातर ये होता है ना कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है चाहे खाना बिल्कुल भी काम का ना हो बिल्कुल घटिया सा हो लेकिन बिल अगर बन जाए ना चार पाँच हज़ार का प्योर शानदार होटल था बिल देखो बिल चाहे खाने में बिल्कुल खुद को मजे नहीं आ रहे मतलब ठूसे जा रहे हैं ऐसे ही आंख बंद करके कि यार पैसे लगे हैं खा लेते हैं खा ले होता है कि नहीं होता तो वो वाली चीज़ है ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है एक छोटा ढाबे वाला भी स्वादिष्ट खाना बना देता है बिना मसाले वाला जो कि हेल्दी हो हेल्दी फूड भी होता है वो बना देता है और अपने क्या करते हैं बस ऐसी लगी होनी चाहिए ये होना चाहिए उस तरीके से और वहाँ पे आपको पता है फिर किस तरीके से चीजें चलती हैं ठीक है तो ठीक है फिर ये क्वेश्चन अपना हो गया समझ में आप बड़ा ही शानदार टाइम मिलगा मैक्सिमम uh, आपको फाइव सेकेंड लगे होंगे इसके अंदर ठीक है बिल्कुल स्पीड के अंदर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट टाइम स्टार्ट स्टार्ट

वुड कंटिन्यू का मतलब आप मिनिमम पे कंटिन्यू करोगे तो दोनों मीनिंग है कुछ नहीं पता कि आगे की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है क्लियर आप लोगों के वुड की दो वर्किंग होती है है एक एक तो पास्ट के लिए भी यूज होता आपका प्रेजेंट फ्यूचर के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी बात करता है तो या तो आपने कंटिन्यू किया होगा या फिर आप कंटिन्यू करोगे मिनिमम पे दोनों बातें हैं स्कैनिंग होगी ठीक है टू रिसीव क्या करने के लिए पर्पज क्या है कंटिन्यू करने का क्या कंटिन्यू रखना है आपको क्या रिसीव रिसीव का मतलब प्राप्त करना डिविडेंड्स डिविडेंड्स का मतलब लाभांश लाभ का अंश डिविडेंड्स फोर के लिए किसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आप स्कैनिंग यही होती है जैसे एडिटोरियल में अपने करते हैं फोर के लिए किसके लिए अब आपने बात की ना फोर के लिए किसके लिए क्वेश्चन पूछा अगर वो आंसर दे तो सही है अदरवाइज गलत है फोर किसके लिए फॉर द स्टॉक स्टॉक का मतलब संग्रह जो आप चीज इकट्ठी कर रहे हो स्टॉक करने के लिए तो स्टॉक के लिए डिविडेंड्स को रिसीव करना प्राप्त करना लाभांश को प्राप्त करने के लिए आप कंटिन्यू करोगे मिनिमम पे या फिर आपने किया होगा इनमें यू आर इन जो है किस में बोला ना किस में तो किस में बोला है? इसका मतलब उस चीज में होना चाहिए चीज में मतलब नाउन आनी चाहिए ना, ना जिसमें होगा वो एक स्टेबल चीज होनी चाहिए मतलब नाउन होनी चाहिए लेकिन आगे तो क्या चला गया सेंटेंस अगर मैं यहां पर यू करता ओनली यू रखता ठीक है इन यू खुद में स्टोक करना है आपने जो डिविडेंड्स है वो खुद में तो खुद में स्टोक कर सकते हो क्या नहीं कर सकते वैसे गलत था लेकिन इन यू उस तरीके से ज्यादा खुद में हो तो सकता था यू में हो तो सकता था लेकिन जैसे ही यहां पे आपने आर लगाया तो आर लगाएगा क्योंकि इन जाएगा यू को खाने लेकिन आर यू को ऑलरेडी खा जाएगा सब्जेक्ट की फॉर्म में अगर इन यू को खा गया तो आर को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और आर यू को खा गया तो इनको एलिमेंट नहीं मिलेगा यह होगी गड़बड़ ये भी तो हो सकता है सर इन नेम्स नेम name में नाम में मतलब अपने नाम पर लेना एक तरीके से किसी चीज को तो ये भी तो हो सकता है हाँ ये हो सकता है लेकिन नेम्स इन जिसके लिए जो इन एक एलिमेंट मांगे जिसको खाएगा ये चीजें आपको कैसे पता लगे खाएगा ये नहीं खाएगा इस तरीके को स्टूडेंट बोलते हैं सर ये पता नहीं लगता कैसे खाएगा तो उसके लिए आपको एडिटोरियल की क्लासेस लगानी पड़ेगी आप एडिटोरियल की क्लासेस में आते ही नहीं हो दिक्कत सबसे बड़ी वो है जो रेगुलर है एडिटोरियल की क्लासेस में उनको ये चीजें आती है किस तरीके से खा रहे हैं वहां से वर्किंग करते हैं ना आपने ठीक है तो आपको एडिटोरियल की क्लासेस गो थ्रू करनी पड़ेगी साथ साथ लेनी पड़ेगी अदरवाइज नहीं आएगा समझ में और ये इतनी शानदार टेक्निक है ये वर्किंग अगर आपके समझ में आ गई तो इंग्लिश में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी फर्स्ट वाले में आपने देख ही लिया क्योंकि रूल्स तो इंग्लिश में होते नहीं है तो यहां पे बात करें नेम्स तो इन क्या खाने इनको चाहिए क्योंकि हर एक एलिमेंट को एक फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट फ्री एंड फ्रेश चीज ही चाहिए नाउन वगैरह तो इनको इन नेम्स को लेने जाएगा लेकिन यू आर है डू बी है तो बी का यहाँ पे तीर लगा हुआ है ना तो नेम्स ऑलरेडी गया हुआ तो नेम्स भी नहीं बनेगा आगे कुछ है ही नहीं आगे बात ही नहीं होगी सो देयर विल बी इसका मतलब इन कहीं, इन को क्या नहीं कर को रहा कोई भी भीफेक्शन नहीं मिल रहा कहीं से कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा इसलिए गड़बड़ हो जाएगी तो यहाँ क्या है इस पार्ट में गड़बड़ है आपको पता सोल्यूशन एक, देखो एग्जाम के अंदर आपने स्पोर्टिंग एरर का सोल्यूशन पता ना लगे बस इतना पता लग जाए कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जहां पर धुंधलापन आया इसका मतलब वहां पे एरर है इसका मतलब सी पार्ट में तो एरर है तो सी पार्ट में एरर है तो विदाउट सी वाले चले नो एरर तो गया क्यू एरर तो है और बी पार्ट गया और सभी में आपके क्या है सी है ठीक है अब यहां पे देखो तो ये हो सकता है इन योर नेम्स सोल्यूशन बता देता हूं क्योंकि ने वो कर दिया अब कोई दिक्कत नहीं है अब सोल्यूशन बाद में बता रहा हूं एग्जाम में आप कर चुके हो सी पार्ट की एरर इन योर नेम्स मतलब अपने नाम में मतलब अपने इन योर नेम्स का मतलब अपने नाम में लेना मतलब इस चीज को अपने नाम से लेना ठीक है स्टोक इन योर नेम्स सो इसलिए ताकि सो so, देर विल भी वहां हो क्या विल बी सफिशियंट फंडिशियंट फंड मतलब पैसा वगैरह जो भी चीज आपने स्टॉक किया है वो फॉर यू ऑल आप सभी के लिए टू मूव ऑन क्या करने के लिए फंड हो आपके पास उस फंड होने का पर्पज क्या है टू मूव ऑन इनफिनेटिव पर्पज तो क्या करने के लिए आपके पास क्या हो फंड होगा इस पॉइंट पे फंड होगा क्या करने के लिए मूव ऑन उस पॉइंट से आगे मूव ऑन करने के लिए तो आगे मूव ऑन एक्शन है उसको कनेक्ट कर दिया तो मॉडल ऑफ कनेक्शन टू आपका ऐसे मॉडल वर्क कर रहा है यहाँ पे तो मूव ऑन का मतलब चलते रहने के लिए मूव ऑन लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है इतने में कोई दिक्कत नहीं लगी अब पूरा मीनिंग लें कि एक तो पास्ट वाले वुड की वर्किंग लेते हैं पास्ट की कि आपको क्या आपने कंटिन्यू किया होगा मतलब आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ो मीनिंग ले लो अब मीनिंग में देखना है वैसे तो तो फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है एक ही थी यू आर वाला ग्रामेटिकल फॉर्म में बात करें अब मीनिंग की फॉर्म में चलते हैं सेंस की फॉर्म में कि आपने क्या किया होगा आपने मतलब लाभांश लिया होगा स्टॉक के लिए अपने नाम पर आपने भाग अपना भाग लिया होगा ताकि आपका मतलब क्या हो आपके लिए इसलिए आपके पास क्या होगा फिशियंट फंड होगा आपके लिए क्या होगा फ्यूचर में सफिशियंट फंड होगा आपने लाभ लिया होगा इसलिए इसलिए फ्यूचर में आपके पास सफिशियंट फंड होगा देखना ध्यान से पास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपने लाभ लिया होगा और फ्यूचर में आपके पास सफिशियंट फंड होगा पॉसिबिलिटी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी लिया था पास्ट में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की बात कहंगे फिर यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी क्यों दे रहे हैं फिक्स ही कर देना आपके पास सफिशियंट फंड है जब आपने पास्ट में लिया था तो यहाँ पे भी वो होना चाहिए ना यहाँ पे भी फंड होना चाहिए ठीक है बात कर रहा है आगे की तो बीच में कनेक्शन कट कर रहा है ना उस बात का जो फंड आपने स्टॉक किया है तो वो फंड बना रहना चाहिए ना तो इसका मतलब क्या है फंड आपके पास है और आगे भी होगा इस तरीके से बोल सकते थे डायरेक्ट आगे होगा जब बात पास्ट की पास्ट में आपने इकट्ठा किया फंड आपके पास आगे होगा आगे कैसे होगा फंड इस पॉइंट पे भी तो होना चाहिए अजीब सा चला गया मिनिमम पे बात करें अगर आप डिविडेंड्स को अगर प्रेजेंट फ्यूचर फ्यूचर में बात कर लेते हैं अगर डिविडेंड्स को आप क्या करते हो स्टॉक किए रखते हो स्टॉक करोगे अगर डिविडेंड्स को मिनिमम पे स्टॉक करोगे तो मैक्सिमम पे आपके पास फंड होगा mm -hmm. तो दोनों मैक्सिमम होने चाहिए ना तो क्या होगा कि आपके पास आप डिविडेंड्स का जो रिसीव करना कंटिन्यू करोगे इसलिए आपके पास फंड होगा तो वुड नहीं आएगा यहां पे क्या आएगा विल आएगा मैक्सिमम आएगा क्योंकि आगे फंड जो आपका है वो क्या रहेगा, रहेगा आप तो तो सी में, में तो ऑलरेडी एरर हो चुकी है अब ये नहीं है कि एरर ज्यादा नहीं हो सकती हो सकती है कितनी भी एरर हो सकती है लेकिन फिर सी बचेगा और कोई पार्ट कहीं पे एरर दे रहा है क्या तो एक पार्ट और भी तो सिलेक्ट करना है ना आपने साथ में सी के साथ में तो आगे वाले पार्ट में कहीं पे है ही नहीं बस एक ही जगह एरर कर सकते हो अगर ना भी हो तो एक ही जगह आप एरर कर सकते हो कहां पे यहां विल की अगर यहां वुड भी बनाओगे मिनिमम पे बात करके वुड भी भी अगर इसको बनाते हो तो भी एक ही पार्ट में एरर रहेगी फिर वो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा और फर्स्ट वाला सही हो जाएगा अदर अदर तो सारे के सारे क्या है बिल्कुल सही है तो कहीं एरर बन ही नहीं सकती तो एक पार्ट तो सिलेक्ट करना है ना तो चांसेस कहां पे एरर के फर्स्ट वाले में एरर के चांसेस है अगर मैं इसको विल बनाए रखता हूं तो तो वो भी मैक्सिमम पे बात करेगा तो यू विल होगा समझ में आया किस तरीके से करना होता है इस तरीके से हां विल वुड बन सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वुड बनेगा तो एक ही पार्ट रहेगा दूसरा पार्ट कहां से लाओगे सारे के सारे सही है इसलिए आपको दूसरा पार्ट ढूंढने के लिए अपना सेंस यूज करना पड़ेगा कि किस में चांसेज है एरर के तो इसमें तो ऑलरेडी एरर मिल चुकी है तो आप यहां विल फिक्स करके चांसेस बनाकर दूसरा पार्ट ढूंढो कि कौन सा बन सकता है और तो कोई बनेगा ही नहीं कोई सा भी देख लो फॉर यू ऑल आप सभी के लिए फंड्स हो सकते हैं क्या हो सकते हैं और पर्पज क्या होगा उसका फंड होने का ताकि वो क्या कर सको आप मूव ऑन कर सको तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है डिविडेंड्स को रिसीव कर सकते हो किसके लिए स्टॉक के लिए मतलब इकट्ठा वगैरह करने के लिए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं इसका मतलब वही एक चांस है तो विल आएगा यू विल कंटिन्यू इसका मतलब जो आपकी एरर है वो किस में ए एंड सी में तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर में देखें ऑप्शन ए आपका करेक्ट है समझ में आप लोगों के क्लियर है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट टाइम स्टार्ट स्टार्ट टॉप शुरू करते हैं हर डेजलिंग अचीवमेंट्स उसके उसके मतलब कोई लड़की दिखाई दे रही है हर का मतलब लड़की लड़की के डेजलिंग डेजलिंग का मतलब आश्चर्यचकित करने वाले अचीवमेंट नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है डेजलिंग टाइप के अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स का मतलब जो उपलब्धियां हैं ठीक है उस लड़की की उपलब्धियां एज की तरह किसकी तरह ए जनरल एक जनरल की तरह, general, एक general की तरह उसकी उपलब्धियां मतलब वो एक जनरल है उसकी तरह है, उसकी उपलब्धियां ठीक है उपलब हैव हैव ऑब्सक्यूर्ड का मतलब धुंधला कर चुकी है ऑब्सक्यूर्ड का मतलब धुंधला करना अंधेरा करना ठीक है अंधेरा वगैरह तो ऑब्सक्यूर्ड कर चुकी है तो हैव का सबसे ढूंढने चलते हैं हैव का सबसे ढूंढने गए तो ए जनरल के पास गए लेकिन तो एज ए जनरल एक जनरल की तरह वो तो लाइक like एज की तरह चला गया तो जनरल एज की तरह चला गया मतलब कंपैरिजन में चला गया जनरल की तरह तो ये तो गया जनरल तो Achievements क्या है हाँ ठीक है ये इसका सब्जेक्ट हो सकता है इसका मतलब क्या निकला एज बिकॉज तरह भी वर्क करता है।, आगे, sentence भी आ सकता है तो आप रूल्स मत रट लेना की तरह काम करता है जैसे की ठीक है, है।, है, है।, है तो यहाँ पे यह बोल रहा है कि उसके अचीवमेंट एक जनरल की तरह है तो यहाँ लाइक like की तरह वर्क कर रहा है एज का मतलब वो खुद ही एक जनरल है और लाइक like होता है तो मतलब जनरल की तरह काम करता है खुद नहीं होता वो एज लाइक का डिफरेंस मैंने आपको क्लासेज में बता रखा है अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं अलग से टॉपिक वीडियो में डाल दूंगा एज लाइक ठीक है तो एक जनरल की तरह अचीवमेंट्स इसका सब्जेक्ट है हैव का सब्जेक्ट अचीवमेंट्स इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, है भी नहीं है आएगा आएगा हैज कोई जनरल को देखकर हैज मत कर देना क्योंकि सब्जेक्ट पास वाला नहीं बनता है सब्जेक्ट वो बनता है जो बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश हो ठीक है वो अपने आप ढूंढ लेता है अपना तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है धुंधला किस चीज को की वो देख लेते हैं हिज मोर मोर का मतलब ज्यादा कंपेरिजन uh, में सोबर सोबर का मतलब क्या हो गया पहले कंपेरिजन में बोल सकते हो आप सोबर का मतलब अब ये जरूरी नहीं है मोर आएगा तो देन जरूर आएगा ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है मोर पुराने कंपेरिजन के साथ भी बोल सकता है कि इज मोर मोर पावरफुल नाउ ही इज मोर पावरफुल नाउ मतलब वो ज्यादा पावरफुल है पहले के कंपेरिजन में इस तरीके से सोबर का मतलब क्या होगा सोबर का मतलब सादा सदाचार वाली चीज ठीक है गंभीर फॉर्म में तो सिंपल मोर सोबर क्वालिटी जो उसकी सोबर क्वालिटीज है सादी जो क्वालिटीज है विशेषता है एज ए रूलर एक रूलर की तरह तो अचीवमेंट्स तो एक जनरल की तरह है और क्वालिटीज रूलर की तरह है, एक शासक की तरह तो मतलब क्या निकला कि उसकी जो आश्चर्यजनक जो अचीवमेंट उपलब्धियां हैं जो उसने एक जनरल की तरह प्राप्त किया एक जनरल की, की फॉर्म में प्राप्त किया उसने धुंधला कर दिया उसकी जो ज्यादा सोबर क्वालिटीज है एक रूलर की तरह जो उसकी क्वालिटीज थी सोबर सादी ज्यादा सादी क्वालिटीज जनरल से ज्यादा जनरल की फॉर्म में क्वालिटी uh, कम सोबर थी और उसमें ज्यादा सोबर क्वालिटीज थी उसको उसने धुंधला कर दिया किसने उसके जो अचीवमेंट है उसने कि अचीवमेंट से ये नहीं लगता कि वो एक सिंपल सी लड़की है ठीक है लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं दोबारा से देखें हैव ऑब्सक्योर्ड हिज तो मैं यहां पे मेल सोचने लग गया ना हिज इसका मतलब क्या निकला यहां पे एक चीज मैंने यहां पे देखी क्योंकि अभी मैं हिज के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि वो एक राजा की तरह था इस तरीके से मैंने बात की है था थी नहीं बोला मैंने था बोला क्योंकि मैंने हिज पढ़ा तो मतलब गड़बड़ यहां पे भी मिली मुझे थोड़ी सी क्या गड़बड़ मिली कि यहां लड़की दिखाई दी और एकदम से लड़की लड़का बन गई ये तो भाई कोई जादू थोड़ी चल रहा है ठीक है कि लड़की लड़का बन गई एकदम से चुटकी बजा कर तो ये तो अजीब सा हो गया ठीक है हिज नहीं आना चाहिए या तो हराएगा या हिज आएगा तो पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा जेंडर सेट करना पड़ेगा पर यह भी तो हो सकता है ना कि उस लड़की के अचीवमेंट ने किसी और के सोबर क्वालिटीज को क्या कर दिया किसी और की क्वालिटीज जो रूलर की तरह है उसको ऑब्सक्यूर कर दिया ठीक है चलो देखते हैं एक बार एंड और इवन द साउंड स्ट्रेटेजी और जो साउंड स्ट्रेटेजी है और जो साउंड स्ट्रेटेजी है साउंड की जो स्ट्रेटेजी है साउंड के लिए जो स्ट्रेटेजी तैयार की विद विच जिसके साथ अब एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो मैं यहां पे आपको डायरेक्ट बताऊंगा वहां पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूं एडिटोरियल में चलो बता ही देता हूं

Even the sound strategy. तो ये भी गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि his नहीं होगा होना चाहिए था अलग से स्प्लिट कर देता है है के बाद में देखते हैं हैं तो उसका जो dazzling achievement है, उसके जो उसके शानदार वाले achievements एक की तरह उसने क्या कर दिए किसी दूसरे पर्सन के अभी अपने ले रहे हैं किसी बॉय के क्या कर दिए आदमी के क्या कर दिए सोबर एक रूलर की तरह उसको धुंधला कर दिया और साउंड स्ट्रेटेजी को भी धुंधला कर दिया विद विच जिसके साथ ही एंड उसने एम किया था टू बी मास्टर मास्टर होने का विद विच ही एंड जिसके साथ उसने एम किया विद विच जिसके साथ एम किया किसके उस साउंड स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी के साथ उसने क्या किया एम किया टू बी मास्टर मास्टर का मतलब मास्टर पारंगत बनने के लिए निपुण बनने के लिए एज द नेरोसीज नेरोसीज की तरह मास्टर बनने के लिए जो संकरे समुद्र होते हैं उनकी तरह मास्टर तो समुद्र की तरह मास्टर बनेगा क्या समुद्र के जैसा वो बन जाएगा क्या तो समुद्र के जैसा नहीं बनेगा इसका मतलब क्या निकला एज नहीं होगा यहां पे भी गड़बड़ है तो एक एरर तो अपने को मिली कहां पे? डी में तो डी तो आपका आएगा ही आएगा नो एरर गया ठीक है तो यहां सोल्यूशन में बता दू यहां पर आपका ऑफ आएगा ऑफ द कंडीशन सारी ध्यान में रखनी है तो यहां अब दो ही ऑप्शन बचते सी डी और एडी सी में अगर मैं बात करूं तो सी में क्या मैं एरर करूं सी में तो कोई एरर है ही है नहीं एंड इवन द साउंड स्ट्रेटेजी मतलब जिसके साथ उसने एम किया अब यहां गड़बड़ सी होने लग गई ना पूरी की पूरी बात यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है एक पॉइंट और अपने को ढूंढना है तो यह अपने को देखना पड़ेगा ही कौन है तो एक दोबारा से देखे कि उस लड़की के जो अचीवमेंट है जनरल की तरह कर दिया उसकी ज्यादा अब यहां मोर से भी एक हिंट मिल रहा है अपने को मोर से अगर किसी को ऐसे लगे कि ये कोई तीसरा पर्सन है कोई दूसरा पर्सन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं ठीक है मोर से मतलब ज्यादा सो, सोबर क्वालिटीज रूलर की तरह तो जनरल की तरह जो अचीवमेंट है उसने रूलर की तरह जो क्वालिटीज है ज्यादा तो कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है जनरल वाली क्वालिटीज के साथ हो रहा है? है ना तो जनरल कौन है वो लड़की है तो रूलर भी कौन होगा वो लड़की ही होगी इसका मतलब क्या निकला यहां पे क्या आएगा हर आएगा मतलब ये उसी लड़की की बात हो रही है समझ में आया सेंसिबल फॉर्म में अगर बात करें कि उस लड़की के जो अचीवमेंट है एक जनरल की तरह है, वो धुंधला कर चुके हैं उसके रूलर की तरह ज्यादा अच्छी क्वालिटी है रूलर की तरह ज्यादा सोबर है तो मोर वाला से आसेंट दे रहा है कि रूलर की फॉर्म में ज्यादा सोबर क्वालिटी है जनरल की फॉर्म में होने से तो कंपैरिजन तो ऊपर वाले के साथ ही हो रहा है जनरल की फॉर्म में सोबर कम है और रूलर की फॉर्म में ज्यादा तो क्वालिटी किसकी बात हो रही जनरल जनरल और और रूलर और जो आपका है रूलर नहीं रूलर ठीक है जनरल जो आपका वो लड़की है तो रूलर भी कौन होगा लड़की होगा इसका मतलब हर आएगा और यहां पर क्या होगा यहां पर आपका क्या आना चाहिए सी आएगा दो हो गई ना यहां पर आपका क्या आना चाहिए सी आएगा तो अब कितने में एरर होगी डी में एरर थी सी में एरर है, है और बी में एरर है बी सी डी तीन में एरर है इसका मतलब गलत तीन में एरर नहीं हो सकती इसका मतलब हो गई गड़बड़ तो गड़बड़ ये हुई समझ में आ रही है चीज तो तीन में एरर हो नहीं सकती इसका मतलब यहां पे हुई है गड़बड़ तो आपको करने दो इसका मतलब यहां ही रहेगा यहां हिज रहेगा तो यहां हिज कर दो अब अपनों ने लड़की बनाई सबको तो तीनों को तीनों बातों मतलब इसको लड़की बनाया तो तीन में एरर आ रही है अब आपको क्या करना है लड़का बना दो इसका मतलब हिज और ही सही है तो इसका मतलब ऊपर वाला हिज है तो दिक्कत तो ये हो रही थी ना या तो लड़की है या लड़का है तो इसका मतलब ऊपर वाला हर आपका गलत है पहले अपनों ने क्योंकि स्टार्ट में लड़की थी उसके अकॉर्डिंग सोचा दे सो एग्जामिनर आपको जरूर यहां पे हिंट देता है ठीक है अब कोई ऐसे बोलेगा सर अगर दो ही ऑप्शन में दिया होता तो हिज तो हिज को हर करते या हर को हिज करते तो सर फिर कैसे करते इसलिए एग्जामिनर ऐसा नहीं देता इसलिए इसने यहां पे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखकर दोबारा से इंडिकेट किया एक और जगह दी ताकि आप वहां पे कंफ्यूज ना हो मतलब एग्जामिनर ने यहाँ पे लड़का ही रखा है क्योंकि लड़की भी तो हो सकता है सर हाँ हो सकता है लेकिन तीन मेरर आ रही है होगी ना गड़बड़ इसलिए एग्जामिनर ने यहां लड़के को इंडिकेट किया है मेल को इंडिकेट किया है क्लियर हो आप लोग समझ में आया तो इसका मतलब ऊपर सोल्यूशन ए में आएगा हिज तो क्या रहेगा आपका ए डी रहेगा तो ऑप्शन क्या है डी क्लियर है समझ में आप लोगों के

तो जैसे ही क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा क्लियर है स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना था, था. ब्रायन मतलब है मतलब होता है कि झूठा होना गलत होना मतलब सिंसियर का मतलब जो ऑनेस्टी वाला पर्सन हो अच्छा पर्सन हो इनसिंसियर का मतलब जो खराब हो मतलब जिसके जो अपने बात करें तो ट्रेड्स वगैरह जो अच्छे ना हो मतलब उसके गुण वगैरह अच्छे ना हो ठीक है तो अन uh, का मतलब तो होता है आपका एनेतिक और इनसिंसियर का मतलब झूठा बेईमान इस तरीके से ठीक है एंड वो क्या था तो वोज का सब्जेक्ट अपने यहां पे देखने चले तो कौन बनेगा ब्रांड बनेगा जो कि है, सिंगुलर है कोई दिक्कत नहीं है एंड और क्या था नोटोरियसली नोटोरियसली का मतलब होता है प्रमुख रूप से विशेष रूप से किस वे में नेगेटिव फॉर्म में अगर अपनी बात करें कुख्यात कुख्यात तरीके से बात करें प्रख्यात नहीं कुख्यात मोरल और क्या था वो कुख्यात तरीके से मोरल नैतिक था मतलब गलत तरीके से नैतिक था तो यहाँ थोड़ा अजीब सा नहीं लगा क्या कि ब्रैंड क्या था एक तो वो क्या था अनस्क्रिपुलस था मतलब अनैतिक था बेईमान था इनसिंसियर था मतलब गलत था झूठा था और गलत तरीके से कुख्यात तरीके से मतलब एक तो फेम होती है पॉजिटिव में एक नेगेटिव होता है जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं तो कुख्यात तरीके से नैतिक था तो कुख्यात तरीके से नैतिक कैसे होगा मोरल तो वो होता है ना कि अच्छा सदाचारी पर्सन हो अच्छा सदगुण वाला पर्सन हो तो कुख्यात तरीके से सदगुण थोड़ी होते हैं तो इसका मतलब ये आपका यहां पे गलत ये इमोरल होगा मोरल नहीं होगा ये यहां पे क्या होगा इमोरल होगा तो एक एरर अपने को मिली कौन से पार्ट में बी पार्ट में तो बी पार्ट में एरर है इसका मतलब ए ऑप्शन गया क्योंकि बी नहीं है इसमें डी भी गया इसमें भी नहीं है और ई ऑप्शन नो एरर गया क्योंकि यहां पे क्या है एरर है उसके बाद में बात करें फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो देखेंगे आगे क्या पता सेंटेंस और हिंट दे दे वैसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बाई चांस होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जाम में मैक्सिमम आपको हिंट मिल जाते हैं लेकिन पता होना चाहिए था अगर नहीं पता फिर आपके साथ गड़बड़ है क्योंकि सेंस आपका क्लियर होना चाहिए सेंस चमका हुआ हो होना चाहिए आपका बट ही वॉज प्लीजिंग लेकिन वो क्या था प्लीजिंग था प्लीजिंग का मतलब आप बोल सकते हो सदाचारी बोल सकते हो अच्छा था ठीक है इनमें किस में अब यहाँ कॉन्ट्रे कॉन्ट्रेरी दी है उसने कि लेकिन वो प्लीजिंग था में किसमें इन हिज़ मैनर्स अपने शिष्टाचार जो उसका व्यवहार था उसमें वो क्या था प्लीजिंग था अच्छा था तो बिल्कुल सही लगा तो लेकिन वो अपने व्यवहार में अच्छा था ठीक है लेकिन वो अपने व्यवहार में अच्छा था इसका मतलब वो बुरा था लेकिन व्यवहार में अच्छा था वो अच्छा था लेकिन व्यवहार में अच्छा था मीनिंग बन रहा है क्या आप बोलकर देखा करो चीजों को आप मीनिंग लेकर देखो वहां पे कि करप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा मीनिंग करप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा बिल्कुल सही पिक्चर बन रही है क्या जैसे अपने बात करें कि ब्रायन क्या था अगर मोरल को लें ब्रायन क्या था अच्छा था लेकिन व्यवहार में अच्छा था ब्रायन नैतिक विचार वाला था सदाचारी था लेकिन व्यवहार में अच्छा था ब्रायन खराब पर्सन था लेकिन व्यवहार में अच्छा था तो कॉन्ट्रेरी तो तभी देगा ना जो उसके ऑपोजिट बात करें तो क्लियर हो गया यहां से इसका मतलब मोरल नहीं होगा इमोरल होगा यहां पे तो बी पार्ट में अपने क्या है यहां पे? है पे एरर ये अपने को पता लग गया अपने मैनर्स में वो क्या था प्लीजिंग था generous था मतलब उदार दयालु बोल सकते हो टू ए फोल्ट एक फोल्ट की तरफ का मतलब अपने बात करें तो कोई किसी के द्वारा गलती हो किसी के द्वारा गलती हो जाए उसके लिए वो क्या था उदार था माफ कर देता था मतलब माफी माफी देने वाला एंड वोज और था इंटेंसली इंटेंसली का मतलब होता है इंटेंस फॉर्म में इंटेंस का मतलब होता है तीव्र लेवल पे बहुत हाई लेवल पे इंटेंसली का मतलब भारी भरकम तरीके से बहुत ज्यादा डिवोट क्या था डिवोट था तो डिवोट क्या होता है आपका वीवन होता है डिवोट वीवन है डिवोट एक्शन होगा लेकिन यहां पे अगर अपने बात करें इंटेंसली ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसको आप हटा दो कि किस तरीके से था ये एडवर्ब है इसको हटा दो एक बार कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो वोज डिवोट वोज डिवोट होगा तो वोज को अगर तोड़कर लिखे डिड बी डिवोट जब डिवोट ऑलरेडी आपका वीवन है तो वहां फिर आप बी क्यों यूज कर रहे हो क्योंकि बी तो जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट ऑफ मैकिंग एक्शन होता है तो वो आप वहां यूज क्यों कर रहे हो जब ऑलरेडी वो वहां पे एक्शन है विवन फॉर्म में है Uh, किसी भी मोड वगैरह को नाउन वगैरह को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपने बी यूज करते हैं वी वन में कन्वर्ट uh, करने के लिए बी यूज करते हैं लेकिन यहां वोज को अगर तोड़कर देखें डिड बी है तो वी वन डिवोट ऑलरेडी वी वन है तो बी देने की यहां क्या जरूरत है इसका मतलब यहां पे भी क्या है एरर है एक तो आपके बी में एरर थी और एक आपके डी में एरर इसका मतलब ऑप्शन अपना हो जाएगा बी जिसमें बी डी है क्लियर और समझ में है ना आप लोगों के कि वी वन कैसे नहीं होता डिड बी है तो बी जो एलिमेंट होता है वो मैकिंग एक्शन होता है ये चीजें क्लियर हो पाती है ना आप लोगों के क्योंकि अगर आपने की क्लासेस ली हुई है तो आपको दिक्कत नहीं होगी जिस भी स्टूडेंट जो भी न्यू स्टूडेंट है जिसने की भीज को गो थ्रू नहीं किया है अपनी तो वो प्लेलिस्ट में जाना आप अपने चैनल के वहां पर आपको टेंसेज रियल वर्किंग मिलेगा वहां आप एक बार वो क्लासेस देख लेना उसके बाद में आपको टेंसेज में कभी भी डाउट नहीं होगा लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएंगे तो वो देख लेना एक बार फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी एरर वगैरह किसी पैटर्न में दिक्कत नहीं होगी ठीक है रेगुलर बस साथ चलते रहो और एक बार वो क्लासेस गो थ्रू कर लेना ठीक है डिवोट तो डिवोट नहीं होगा आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं टू हिज वाइफ एंड डॉटर अपनी पुत्री बेटी और जो उसकी वाइफ थी पत्नी थी उसकी तरफ वो डिवोट था डिवोट devote नहीं डिवोटेड था क्योंकि यहां पे मोड आना चाहिए ना तो वो क्या था डिवोटेड मतलब समर्पित था वफादार था तो वो कैसा था वो डिवोटेड फॉर्म में था किसकी तरफ अपनी वाइफ और अपनी बेटी की तरफ मतलब क्या निकला कि जो ब्रायन था वो गलत टाइप का पर्सन था वो ज्यादा इनफेमस था ठीक है लेकिन वो अच्छा था अपने व्यवहार में और कोई मतलब गलती वगैरह हो जो उसको माफ़ करने में और क्या था बहुत ज्यादा डिवोटेड समर्पित वफादार था अपनी वाइफ और अपनी बेटी के लिए ये बात इसलिए बोलिए तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे एरर है वो बी डी ऑप्शन बी आंसर आपका क्या है ऑप्शन बी क्लियर हुआ समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन स्टार्ट टाइम स्टार्ट स्टार्ट तो शुरू करते हैं स्कैनिंग वी नो डू नो वी नो डू नो डू का सब्जेक्ट वी प्लूरल कोई दिक्कत नहीं है वी डू नो हम जानते हैं सरप्राइजिंग देखो सरप्राइज होता होता है है वो आपका नाउन भी होता और एक्शन भी होता है सरप्राइज का मतलब आश्चर्य ठीक है और सरप्राइज एक्शन के फॉर्म में आश्चर्य करना ठीक है लेकिन जो सरप्राइजिंग आई एनजी लग गया तो ये क्या है एक्शन की फॉर्म में ही बात होगी एक टाइप से ठीक है तो क्या हो सकता है जेरेंड हो सकता है जेरेंड क्या होता है वो आपका एक्शन की फॉर्म में नाउन होता है मतलब तो आश्चर्यजनक आपका वो भी तो हो सकता है एडजेक्टिव भी तो हो सकता है तो आई एनजी दिखते चार वर्किंग आती है अपने माइंड में क्या क्या एक तो मेन एक्शन होना चाहिए आपका एक आपका क्या होता है एडजेक्टिव होता है उसके बाद में देखें तो अपने आई एनजी एडजेक्टिव एक्टिव एडजेक्टिव देन आपका क्लोज हो जाता है आई एन जी क्लोज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ठीक है एंड देन लास्ट वन जो आपका होता है वो क्या होता है आपका जेरेंड होता है एक्शन एज ए एज एन नाउन बोल सकते हो एज एन नाउन जो आपका क्या करता है वर्क करता है तो यहां पे अगर मैं बात करूं हम जानते हैं किसको जानते हैं तो नो का चलेगा किस पे तीर सरप्राइज पे सरप्राइजिंग पे और जैसे नो का तीर सरप्राइजिंग पे जाएगा तो ये अपने आप क्या जब तीर खाएगा इसका मतलब वो क्या जेरंड है या एडजेक्टिव है एक्शन तो हो नहीं सकता एक्शन को तो क्या चाहिए मॉडल वगैरह तीर नहीं खाता तीर क्या हो सकती है एक नाउन ही खा सकता है ये एडजेक्टिव ऐसे हो सकता है क्लोज भी नहीं हो सकता समझ गया क्लोज भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि क्लोज पे तीर नहीं खा सकता वो भी एक एक्शन है तीर दो ही चीज खा सकती है एक तो क्या खाए आपका जेरेंड खा सकता है कि वो अपने ऊपर ही ले ले तीर नाउन बन जाए और एक तीर खा सकता है आपका एडजेक्टिव तीर खुद खाकर आगे नाउन पे पास कर दे तो उसके लिए आगे नाउन होनी चाहिए तो यहां पे आगे बात करें तो लिटल लिटल कोई नाउन नहीं होती लिटल भी क्या है एक टाइप से एडजेक्टिव है थोड़ी चीज ठीक है थोड़ी चीज को बताता है और उसके बाद में आ गया आपका अबाउट इसका मतलब दीवार बन गई इसका मतलब क्या मतलब हुआ सरप्राइजिंग यहां पर जेरेंडी है जो अभी अपने सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सरप्राइजिंग को, को जानते हैं हम आश्चर्यजनक को जानते हैं हम आश्चर्यजनक आश्चर्य पैदा करने को पैदा करने वाले को जानते हैं आश्चर्य पैदा करने को जानते हैं हम आश्चर्य पैदा करने को जानते हैं जेरेंडी की फॉर्म में जाएगा तो ऐसे जाएगा ना आश्चर्य पैदा करना ऐसी चीज है तो हम आश्चर्य पैदा करने को जानते हैं कोई मीनिंग आ रहा है कोई मीनिंग आ रहा और कैसा जानते हैं थोड़ा जानते हैं हम आश्चर्य पैदा करने को थोड़ा जानते हैं ठीक है ये अपने अजीब सा हो गया अब इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लेकर देखो क्या पता मीनिंग दे जाए हम जानते हैं सरप्राइजिंग है। मतलब आश्चर्यजनक जो चीज आश्चर्यजनक है हम जानते हैं आश्चर्यजनक को थोड़ा सा ये थोड़ा जा सकता है आपका मतलब यहां पे अपने आप समथिंग उसके साथ में एड हो जाएगा ठीक है एडजेक्टिव के साथ वी नो सरप्राइजिंग जो आश्चर्यजनक है उसको हम क्या करते हैं जानते हैं या कोई सरप्राइजिंग का मतलब कोई सरप्राइज वगैरह देता है उस तरीके से अगर सरप्राइज होता फिर तो बिल्कुल परफेक्ट था कि हम सरप्राइज को जानते हैं जो सरप्राइज कोई देता है उसको तो हम सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक को थोड़ा सा जानते हैं ठीक है लेकिन मीनिंग तो थोड़ा सा ऐसे ऑकवर्ड सा लग रहा है ना ऑकवर्ड सा लग रहा है धुंधलापन लग रहा है तो एम एरर है नहीं लग रहा चलो आगे चलते हैं कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं लग रहा तो वी नो सरप्राइजिंग हम आश्चर्यजनक को अपने ही देखो वर्किंग के क्लियर अपने को कहीं दिक्कत नहीं होने वाली श्योरिटी है यहाँ पे वी नो सरप्राइजिंग लिटल हम आश्चर्यजनक को थोड़ा जानते हैं अबाउट बारे में किसके बारे में वैनिस्ट, वैनिस्ट का मतलब लुप्त ठीक है खत्म हो गई तो है. है जो खत्म हो चुकी है तो हम खत्म हो चुकी जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में उनके बारे में आश्चर्यजनक को थोड़ा सा जानते हैं उनके बारे में आश्चर्यजनक को थोड़ा सा जानते हैं बार बार बोलो अपने आप मीनिंग आएगा आपको पता लगेगा सभ्यताएं खत्म हो चुकी सभ्यताओं के बारे में आश्चर्यजनक थोड़ा जानते हैं खत्म हो चुकी सभ्यताओं के बारे में आश्चर्यजनक थोड़ा जानते हैं अजीब लगा एक बार सरप्राइजिंग को हटाना वी नो लिटिल अबाउट वैनिस डे सिविलाइजेशन अगर आप लिटिल को देखोगे सरप्राइजिंग के लिए जो है तो आश्चर्यजनक को थोड़ा जानते हैं या फिर उन सभ्यताओं के बारे में थोड़ा तो लिटिल रियल में किसके लिटिल अबाउट अपने जो ले रहे थे रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही नहीं ले पा रहे थे इसलिए मीनिंग आपका करप्ट हो गया देखो ऐसे करना होता है सेंटेंस तो सेम ही है ना क्योंकि सरप्राइजिंग यहां पे कुछ होता है सरप्राइज लिटल हम सरप्राइज को थोड़ा सा जानते हैं तो वो लिटल आपका इसके लिए भी तो यूज हो सकता था वी नो सिविलाईशन लिटिल ये भी तो हो सकता था हम सिविलाइजेशन को थोड़ा जानते हैं ये भी तो हो सकता था तो इसके लिए भी यूज हो सकता था और ये इसके लिए भी यूज हो सकता है आगे वाले के लिए भी यूज हो सकता है तो आपको ये रिफ्लेक्शन ढूंढने आने चाहिए कि जो एलिमेंट यूज हुआ वो किसके लिए यूज हुआ है उससे पहले वाले के लिए यूज हुआ है या आगे वाले के लिए यूज हुआ है या फिर बहुत पहले वाले के लिए यूज हुआ है इस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन आने चाहिए और रिफ्लेक्शन अपने करते हैं कहाँ एडिटोरियल की क्लासेस में इसलिए एडिटोरियल की क्लासेस इंपोर्टेंट होती है तो हम सरप्राइजिंग को नहीं अब ये तो पता लग गया कि सभ्यताओं के बारे में से थोड़ा जानते हैं ये बात है सरप्राइजिंग कोटाना तो हम सभ्यताओं के बारे में थोड़ा जानते हैं इसका मतलब सरप्राइजिंग यहाँ पे ऑकवर्ड मीनिंग तैयार कर रहा है इसका मतलब ए पार्ट में धुंधलापन ए पार्ट में एरर सोल्यूशन कोई जरूरी नहीं है सोल्यूशन पता हो एग्जाम के अंदर ठीक है सोल्यूशन के पीछे भाग कर टाइम वेस्ट मत करना बस पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे एरर है इसका मतलब ए पार्ट में एरर है इसका मतलब नो एरर तो नहीं होगा एरर है और सी पार्ट में एरर ए नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें भी एरर नहीं है अब बी और सी को चेक करना है आपने को ओनली ठीक है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ठीक है तो अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन दे देता हूँ क्योंकि एरर तो आ गई तो हम सभ्यताओं के बारे में जानते हैं थोड़ा आश्चर्यजनक रूप से हम कैसे जानते हैं वी नो सरप्राइजिंगली यहां पे आपकी एडवर्ब आएगी हम जानते कैसे हैं जानने का एक्शन कैसे हो रहा है कोई चीज कैसे हो रही है एक्शन कैसे हो रहा है एडवर्ब। कोई चीज कैसी है एडजेक्टिव कोई चीज कैसे हो रही है एडवर्ब। ठीक है एक पॉइंट ये मैंने करवा रखा आपको ये चीजें कोई चीज कैसी है एडजेक्टिव वो कैसी कैसी है एडवर्ब कैसी वैसी वैसी ऐसी ऐसी जैसी ये सारा का सारा क्या है एडवर्ब मतलब क्वालिटी ऑफ क्वालिटी एडवर्ब एक तो एडवर्ब एडवर्ब क्या होती quality quality होती है 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 क्वालिटी 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 ऑफ ठीक एडजेक्टिव की quality, की quality, सब कुछ एक साथ बहुत सारी एडवर्ब भी आ सकती है और एक एडवर्ब एक्शन की क्वालिटी को बताता है नाउन की क्वालिटी डायरेक्ट बताता है एडजेक्टिव इतना हमारे समझ में आया ठीक है वैनिस सिविलाइजेशन की बात हो रही है तो सरप्राइजिंगली हम जानते कैसे हैं तो एक पार्ट में पता लग गया हु मजेस्टी जो मजेस्टी हु लगेगा इसका मतलब क्या हु सब्जेक्ट की हुम में जाएगा हु जो जो सब्जेक्ट की फॉर्म में बात करता है तो जो सब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगा इसका मतलब उसके आगे एक्शन टाइप आना चाहिए था कोई सेंटेंस आना चाहिए था आगे कोई सेंटेंस नहीं आगे डायरेक्ट क्या हो गया नाउन हो गया हु मजेस्टी जो गरिमा मजेस्टी का मतलब बड़पन गरिमा जो गरिमा अजीब बी में भी ऑकवर्ड सा लगा तो बी में भी ऑकवर्ड धुंधलापन इसका मतलब वर्किंग से देखे तो हु क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा ना तो सेंटेंस होना चाहिए ना उसके बाद में तो नहीं है इसका मतलब मैं जस्ट डाइट नाउन दे दिया आपने कोई और

तो हु मेजेस्टी तो ये गलत हो गया बिल्कुल ही गलत हो गया तो इसका मतलब क्या है बी में भी धुंधलापन तो अपना ऑप्शन हो चुका है और ऑप्शन अपना क्या है ए तो ए बी आपका क्लियर है यहां पे समझ में आगे अब तो सोल्यूशन के लिए पढ़ लेते हैं एंड हुज अल्टीमेट डिमाइज और जो जिसकी हुज का मतलब जिसकी अल्टीमेट का मतलब अंत में जाकर जो डिमाइज मतलब समाप्ति है वर क्लोजली लिंक्ड क्या सब्जेक्ट बनेगा कौन कौन लिंक्ड दे पास पास एक तो अल्टीमेट डिमाइज और एक मजेस्टी जिसकी गरिमा बड़प्पन ठीक है वो और उसकी जो डिमाइज समाप्ति दोनों पास पास लिंक्ड थे, क्लोजली लिंक्ड कैसे थे वो कैसे थे लिंक्ड थे और लिंक्ड कैसे थे कैसे कैसे हो गया ना एडवर्ब? वो कैसे थे लिंक्ड थे जुड़े हुए थे और जुड़े हुए कैसे थे क्लोज फॉर्म में तो क्वालिटी ऑफ क्वालिटी वो चीज कैसी थी ये दोनों चीजें कैसी थी लिंक्ड थी और वो लिंक्ड कैसे थी क्लोज फॉर्म में थी क्लोजली लिंक्ड पास पास जुड़ी हुई जुड़ी हुई कैसे क्लोज फॉर्म में तो इसका मतलब यहां पे भी एडवर्ब बिल्कुल सही है अब यहां से क्लियर हो गया मतलब क्या निकला सर हु गलत है यहां आएगा हुज कि सिविलाइजेशन जो उनके बारे में हम बहुत आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम जानते हैं सिविलाइजेशन जिसकी जिनकी मजेस्टी और जिनका डिमाइज दोनों लिंक्ड थे मतलब जिनकी गरिमा उनकी पावर बोल सकते हो और उनका जो अंत था वो दोनों के दोनों क्या थे लिंक्ड पास पास ये बात इसने बोली है अब हु हुज वाले में अगर किसी को डाउट होता है तो देखो मैं बता दूं हु आपका सब्जेक्ट होता है और हुज आपका जो होता है वो पजेसिव केस होता है आपको कभी भी डाउट आए हु हुज में तो आपको क्या करना है आप हु की जगह ही रख देना और हुज की जगह हिज रख देना आपके कभी भी डाउट नहीं आएगा ठीक है चाहे दे रख देना देम रख देना किसी भी तरीके दे रख देना वो भी सही है आ, सी रख देना हर रख देना कुछ भी रख देना म, आ, आई रख देना माई रख देना वी रख देना आ रख देना कुछ भी रख देना लेकिन ऐसे रख दो क्योंकि ये थर्ड पर्सन टाइप बात हो जाती है एक टाइप से कई बार जो कौन पता नहीं इस तरीके से तो आप ही और हिज रख देना तो सिविलाइजेशन अब सिविलाइजेशन है अब यहां ही इज रखेंगे तो एक बार उसको सिंगुलर बनानी तो दे दिया आएगा ठीक है समझ रहे हो ना तो सिविलाइजेशन की बात हो रही है हिज मेजेस्टी जिसकी मेजेस्टी हिज मतलब उसकी मेजेस्टी और उसकी डिमाइस अब ही मेजेस्टी तो नहीं होगा ना वह मेजेस्टी वह गरिमा वो पर्सन गरिमा ऐसे तो नहीं होगा ना उस पर्सन की गरिमा होगा इसका मतलब हिज मेजेस्टी तो हुज मेजेस्टी सेम का सेम रिप्लेसमेंट होगा ना जब भी डाउट आए हुज वाले में हु हुज हु में कभी भी डाउट आए तो उसकी आप ही हिज हिम रखकर देख लिया करो आपको कभी भी लाइफ टाइम के लिए इसमें अब डाउट नहीं आया क्लियर आप लोगों को समझ में आया तो लिंक देख टू लिबर्टीज लिबर्टीज का मतलब स्वेच्छाचार्य अपने मन से कोई चीज करना या आजाद ठीक है दे टुक विद वोटर वोटर जो उन्होंने वो वोटर के साथ है लिबर्टीज ली थी मतलब वोटर के साथ उन्होंने लिबर्टी यूज की थी मतलब वोटर का दोहन किया था यूज किया था उसको अपनी इच्छा से मतलब ऐसे नहीं सोचा कि आगे इसकी कमी आ सकती है इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये दे टुक विद वोटर है वो उस वो क्या है सेकेंड सब्जेक्ट क्लोज है किसका लिबर्टीज का तो क्या होगा दे टुक लिबर्टीज विद वोटर ठीक है इस तरीके से उस लिबर्टीज की तरफ क्या है लिंक्ड है दे टुक लिबर्टीज विद वोटर दे व लिंकड टू दोज लिबर्टीज क्लियर हुआ इस तरीके से यह आपका वॉक करेगा सेकेंड सब्जेक्ट क्लोज में अगर आपको किसी को डाउट है न्यू स्टूडेंट उनको नहीं पता क्या होता सेकेंड सब्जेक्ट क्लोज तो आप लोग क्या करोगे प्ले में जाओगे ठीक अपने चैनल की और वहां पर जाकर इंग्लिश एलिमेंट्स वर्किंग नेम से आपको प्ले मिलेगी उसमें जाकर आप देख लेना आपको सेकंड सब्जेक्ट क्लोज भी मिलेगा टू वर्सेस टू हैव वाला भी मिलेगा बड़ा ही शानदार वाला है वो ठीक है वहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एडवांस इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वहां से गो थ्रू कर लेना समझ में आप लोगों के क्लियर है अब इस क्लास को आप रिवाइज कर लेना अच्छे से ठीक है और अपने मार्क्स मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं जैसे फाइव क्वेश्चन है तो वन क्वेश्चन को आप टू मार्क्स की फॉर्म में लेना या फिर बता देना कितने क्वेश्चन आपके सही है फाइव में से कितने आपके क्वेश्चन सही है जैसे फोर आउट ऑफ फाइव या थ्री आउट ऑफ फाइव इस तरीके से आप मुझे बता देना है। क्लियर है तो अपने मार्क्स वगैरह वहाँ पे शेयर करोगे आप कमेंट सेक्शन में और रिवाइज़ कर लेना क्लास को ठीक है और ठीक है फिर और अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना टाइम नहीं अपने पास इतना अभी एग्जाम अपना बिल्कुल पास में है तो ठीक है फिर करते रहो स्टडी अपनी स्टडी फोकस्ड रहो फालतू तो की चीज़ों पे ध्यान मत देना और एक काम और करना थोड़ा सा क्लासेस के लिए यूट्यूब पे आओ आप फालतू तो कुछ भी आपको दिखे कि ये चेंजेस आए एडमिट कार्ड में ये आया वो आया पता नहीं क्या क्या आया इन चीज़ों पर ध्यान मत देना प्लीज़ आप डाइवर्ट होोगे कुछ फालतू तो बोलते हैं लोग अपने व्यूज़ के लिए वो व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं उनको कोई मतलब नहीं आपकी स्टडी ब्रेक हो रही है मतलब आपका नुकसान हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है वो देखो मतलब तब पता लगता है जब अपने जिस भी पर्सन के साथ कुछ कर रहे हैं उसके जगह पे खुद को रख कर देखें ठीक है उसकी ज़रूरतों को देखें और ख़ुद पर अप्लाई करके देखें उन ज़रूरतों की मेरे मैं होता तो मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता इस तरीके से मतलब मुझे कोई गुमराह करता होता गलत डायरेक्शन में लेकर जाता होता मुझे कोई बेवकूफ़ बना रहा होता तो मेरे साथ मतलब ऐसी सिचुएशन में क्रिटिकल सिचुएशन में तो वो नहीं सोचते इन चीज़ों को उन्हें खुद से मतलब है कोई मतलब नहीं है सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में तो आप लोग इन चीज़ों पे मत ध्यान देना है। इसे फालतू चीज़ है। आपका जो फिक्स है एग्जाम आपको पता है अगर बाई चांस कोई पहली बात है फिक्स ही है होगा उन्होंने ज्वाइनिंग देनी है सितंबर तक मैक्सिमम चांसेस है उनका अभी एस की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ज्वाइनिंग देनी है सेप्टेम्बर में आपको क्योंकि वो आई वगैरह होना है उसके अकॉर्डिंग तो आप ध्यान रखना है टू मंथ्स के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलने के पूरे पूरे चांस टू मंथ्स में ही आपके सारे रिजल्ट वगैरह आकर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी इसलिए फालतू चीज़ों पर ध्यान मत देना कोई भी अगर चेंजेस आता है तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो इसलिए फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो अपनी स्टडी पर फोकस करो ओके ऑल द बेस्ट ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में